नमस्कार ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सबकी नज़रें टिकी हुई हैं राम मंदिर पे, और किसी को चाहिए राम मंदिर और किसी को चाहिए वहाँ पे मस्जिद। लेकिन हमारे जो गौतम साहब हैं, के एल गौतम साहब, वो उन्होंने अपना एक नया पेज फंसाया है, जिन्होंने कहा है वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की भूमि है, वहाँ पर गौतम बुद्ध का होना चाहिए, सारा इतिहास वहाँ पर उन्होंने बताया। तो क्या है, पहले तो गौतम साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। गौतम साहब, आज आप सुप्रीम कोर्ट की डेट थी, तो उस डेट पे पहले तो ये बताएं क्या रहा, और जो आपने ये प्रेडिक्शन जो डाला है आपने, ये क्या है, उसके बारे में भी खुलासा करें। जी बहुत धन्यवाद आपका। आज डेट लगी थी, 5 जजेस की बेंच में मैटर लगा हुआ था, 1501 के मैटर लगा हुआ था। इसमें 5 जज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर रंजन गोगोई साहब थे, इसमें चंद्रचूड़ साहब थे, ललित साहब थे, इसमें और 5 जज बोबड़े साहब थे। और तो इसमें जो मेन इशू इसमें ये था कि आज जो सुनवाई लगी थी, आज डेट फिक्स करना था, पर इसमें हमारे जो जस्टिस ललित साहब थे, इन्होंने अपने आप को इस मैटर से अलग करने के लिए रिक्वेस्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि उन्होंने 1994 में कल्याण सिंह की तरफ से राम मंदिर की तरफ से पैरवी की थी, इसलिए उन्हें अपने नाम को हटाने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको मान गए हैं, और अब 29 तारीख को एक नई बेंच बनेगी, जो वो आगे की डेट डिसाइड करेगी कि कब से सुनवाई होनी है रेगुलर लेवल पर, ताकि इसकी जल्दी जल्दी इसका निर्णय हो सके। मेरा इसमें पक्ष ये है कि मैंने इसमें जो है ये मांग करी थी कि अयोध्या को एज ए बुद्ध विहार डिक्लेयर किया जाए, और अंडर सेक्शन 3 और 4 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको नेशनल मोन्यूमेंट घोषित किया जाए। क्योंकि आपको पता है 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट अपने आप में बहुत विस्तृत जजमेंट है, जिसमें हर जगह कोर्ट ने ये बोला है कि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई टेम्पल था, बट कौन सा टेम्पल था ये कोर्ट ने नहीं बोला है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल था, जैनिस टेम्पल था, राम टेम्पल था, इसका खुलासा नहीं हुआ। और हाईकोर्ट की जजमेंट जो भी आई है वो ASI रिपोर्ट के आधार पर आई है। ASI रिपोर्ट ने हर जगह अपना ये बात रखी है कि इसकी खुदाई में हमें जो भी स्तंभ मिले हैं, जो भी हमारी आकृतियाँ मिली हैं, वो बुद्धिस्ट साइट जो हैं, जो आज तक मिली है, उससे बहुत सिमिलर हैं, बहुत नज़दीक प्रतीत होती हैं। जैसे आपका इसका नाम पहले अयोध्या ना होकर पहले साकेत नगरी हुआ करता था, और जैसे आपका लुम्बिनी है, आपका बोधगया है, आपका ये बनारस के पास जो सारनाथ स्थल है, इससे जो चीज़ें हैं इसके समान वहाँ पे चीज़ें पाई गई हैं। इसके आधार पे हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में भी कहीं नहीं कहा कि ऐसा है, उसके बाद उसने जो निर्णय दिया वो 3 पक्षों में बराबर बांट दिया। तो ये पिटीशन, ऐसी एप्लीकेशनें जो है 94 से लोगों बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा हाईकोर्ट में डाली गई, पर हाईकोर्ट ने उनकी सारी एप्लीकेशनें खारिज कर दी। उसके बाद 2010 के बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट में भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने, समाज के लोगों ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनके भी पक्ष को नहीं माना। माना इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने जो है हाईकोर्ट या ASI रिपोर्ट पर रिलाई ना करते हुए उन्होंने कुछ अपनी किताबें, अपने डॉक्यूमेंट दे दिया, जिसका कोई आधार नहीं था। तो जिस चीज़ का आधार नहीं होता है, कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानती है। हम ना, हमारी पिटीशन इसलिए एडमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हमने जो भी आधार माना है वो हाईकोर्ट जजमेंट को माना है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसी को अपना आधार माना है, और उसी के बीच में जो भी हमारी बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें कोर्ट की गई हैं उसी को हमने कोर्ट के सामने रखा, और कोर्ट जो है बहुत हद तक जो है हमारी बातों से सहमत हुई, जिसके कारण उसने हमारी पिटीशन को आज मेन मैटर के साथ में टैग कर दिया। इसको हम बोलते हैं अयोध्या विवादित जमीन, और देव वाली जमीन जो है वो किसको जाए ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि इसके पास जानी चाहिए किसको नहीं जानी चाहिए। बट मेरा अपना मानना है, मेरे बुद्धिस्ट जो समाज हैं और जो इस मेन पक्षकार है विनीत कुमार मौर्या, इनका ये मानना है कि इसको जो है देश को समर्पित कर देना चाहिए, और इसको जो है सबके लिए ओपन खोल देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग आराम से इसमें आ जा सकें और किसी तरह का विवाद ना हो। अब ये इसके ऊपर कई सारी चर्चाएं होती हैं, हम उन सभी चर्चाओं में नहीं पढ़ते हैं। देश हित में क्या हो सकता है क्या नहीं, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, संविधान के अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, जिसके तहत हमने अपना एक मध्यम मार्ग देने का प्रयास किया है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हमने एक मध्यम मार्ग देने का प्रयास किया है कि जिससे दोनों पक्ष को संतुष्टि हो, और ये देश हित के लिए समर्पित कर दिया है, देश हित में। धन्यवाद। गौतम सर, एक बात बताइए, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहेगा फाइनलाइज, वो क्या रहेगा, वहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, या आप गौतम बुद्ध की नगरी के लिए जो आपने केस डाला हुआ है या वो बनेगा, क्या लगता है इसके? इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत जल्दबाजी है, और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि एक मैटर पेंडिंग चल रहा है, और मैं भी इसमें पक्षकार हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के
तहत है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, जो भी निर्णय पास करेगा, वो हमें मंजूर होगा, क्योंकि हम संविधान पूरा भरोसा रखते हैं और संविधान के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा उसमें हम पूरा विश्वास रखते हैं। हम उसकी फेवर गौतम सर एक बात और बताइए कि आपके पास जो दस्तावेज है, जो सबूत है, वो उनके आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट उसमें जाएगा, समर्थन में जाएगा ये फैसला? मुझे बहुत लगता है कि हमारे समर्थन में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो केस है वो एडमिट हुआ है, तो एडमिट होने का मतलब कि 50% तो कोर्ट हमारी मैटर से, हमारे जो केस से सहमत हुई है, और हमने कुछ अपना कोई नया पक्ष नहीं रखा है। हमने जो भी कोर्ट किया है उसमें हाई कोर्ट के जजमेंट में जो चीज़ें कोर्ट की गई हैं और ASI जो रिपोर्ट, हमने उसी पर अपनी प्री पटिशन बनाई है, उसी को ग्राउंड लिया है, उसी पर अपने क्वेश्चन ऑफ लॉ जो तैयार किए उसी के आधार पर तैयार किया है, जिसको कोर्ट डिनाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का जजमेंट है अपने आप में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको कोई भी कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती है, तो हमने उस डॉक्यूमेंट से ही अपने तथ्यों के, अपने ग्राउंड्स की बात कही है। तो मुझे लगता है कि हम यदि कन्विंस होते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कोर्ट को कन्विंस करने की, यदि कोर्ट हमारी बात सहमत होती है तो हमें लगता है कि वहाँ पे कोर्ट जो है हमारी पटिशन को अलाउ करेगी और हमारे पक्ष में जजमेंट देने का। आपके के गौतम साहब जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि राम मंदिर की जगह जो गौतम बुद्ध की वहाँ पे ज़मीनों में तथा सबूत मिले हैं, उनके आधार पर उनको गौतम बुद्ध की नगरी या गौतम बुद्ध के मंदिर वगैरह जो भी हो वहाँ पे वो बनना चाहिए।